हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी हम मौजूद हैं बनारस में और अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 पे। और आज है संडे का दिन और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत ही भक्तों की भीड़ है। तो आइए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु आए हुए हैं और बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। तो आइए चलते हैं और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और ये बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और आज तो सिर्फ संडे का ही दिन है और देखते हैं सावन के तीसरे सोमवार वाले दिन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंदन टीका लगाते हुए भैया और भैया कहाँ से कहना चाहेंगे, कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से आए हैं तो मतलब कितनी जगह है, कितनी जगह भी होके आए हैं? 3 जगह जा चुके हैं, बैजनाथ, बनारस और ये क्या कहते हैं गुलशननाथ। और कहीं जाना है? बस यही, लेकिन सबसे दुर्दशा यहीं पे है। अच्छा, मतलब क्या हुआ? मोदी जी का ये आविष्कार तो देखा जा रहा है लेकिन शौचालय का बहुत बुरा हाल है। बहुत छोटी जगह में आप जाके देखिए, हर लोग परेशान है। आविष्कार तो दिख रहा है लेकिन शौचालय में जाके देखिए, लाइन की कतार लगी हुई, मतलब एक ही है ना, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कहना चाहेंगे, हमारा ये निवेदन है कि चाहे दर्शन कुछ देर में कराएं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं। जाके देखिए, शर्मिंदा हो रही है। वो सब तो देखे ही है, क्या करते हैं। ये सबसे ज़्यादा शिकायत है ये हम लोगों का कि कम से कम पहले वो ध्यान दें जो हमारा अस्तित्व है। दर्शन तो आदमी कर ले रहा है लेकिन वहाँ जाके देखिए महिलाओं को कितनी दुर्दशा है, शर्मिंदा हो रही है। हमने देखा, हम वीडियो वायरल कर दिया, हमने कहा ये देखिए मोदी जी आपका ये बनारस है, लोग परेशान है। मेन चीज़ की आप जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है, बस यही नहीं होता। और दर्शन बढ़ गया तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दर्शनार्थी जो भी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वॉशरूम के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो आपने सुना ही होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है फिलहाल में। क्योंकि गंगा के तरफ से जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, इस वजह से गेट नंबर 4 से लोग दर्शनार्थी जितने भी लोग हैं वो दर्शन पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। और यहाँ से कौन रास्ता है, और कुछ लोग बीच में घुस रहे हैं इस वजह से। यहाँ पे देखिए, अभी जो काशी विश्वनाथ का जो गेट नंबर 4 है वो काफ़ी दूर है, लेकिन जो आप इतनी लंबी लाइन देख सकते हैं वो बहुत दूर से ही लग के आ रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बाबू कहाँ से बोलो, कहाँ से? इलाहाबाद से। इलाहाबाद। अरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बाबू और भी है, पूरी फैमिली आई है क्या? पूरी फैमिली आई है क्या? अच्छा, सब आते सिखाते ना। ये आंटी है, उनके साथ 4 बच्चे भी आए हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे भोले भी हैं यहाँ पे मौजूद, और वैसे लाइन को धीरे धीरे बढ़ गई है। और सच बताए तो बनारस में आके बहुत से लोग खो भी जाते हैं, कभी किसी गली में चले जाते हैं, कभी किसी गली में चले जाते हैं, इस वजह से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दर्शनार्थियों को थोड़ा, क्योंकि गलियां ही इतनी ज़्यादा हैं बनारस में और इसी वजह से लगातार अनाउंसमेंट भी चलता रहता है। यहाँ
आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट नंबर 1 बनाया गया है, लोग इधर से भी जा रहे हैं और कुछ लोग गेट नंबर 4 से भी जा रहे हैं। दोनों तरफ से रास्ता बना हुआ है जाने के लिए। क्या कहें बाबा दरबार में, तो बोलो उनकी लाइन लगी। दर्शनार्थियों के लिए कुछ बोल दीजिए। क्या जो जो दर्शनार्थी आपको दूर से देख रहे हैं घर बैठे, उनके लिए कुछ कह दीजिए। कहते कि सावन माह का समय चल रहा है, इसमें बाबा के दरबार में बोलबम वाले बहुत अधिकांश आते हैं दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु से ही निवेदन है कि आप भी भारी संख्या बाबा का दर्शन प्राप्त करें। इस बार ऐसा लग रहा है कि कॉरिडोर बनने की वजह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है कुछ ज्यादा ही उम्र। बाबा के दरबार तो भीड़ 24 घंटा लगी रहती है, सावन माह में तो आओ लेते हो, कॉरिडोर के वजह से प्रभाव पड़ा हुआ है इसमें। तो अब तक कितने दर्शनार्थी लोग दर्शन पूजा कर चुके होंगे, कितने लाख? देखिए रविवार और सोमवार मिला के कम से कम आप मान के चलिए आपका 14-15 लाख दर्शनार्थी दर्शन कर लेते हैं। तो बढ़ोतरी हुई है कि नहीं कुछ कॉरिडोर? बढ़ोतरी तो हुई दर्शनार्थियों में भी, हाँ भगवान प्रति बढ़ोतरी भी, कॉरिडोर की वजह से भीड़ बहुत काफ़ी आ रही है यहाँ पर। और ऐसा भी है कि मतलब उस गंगा के तरफ का रास्ता बंद हो गया, इस वजह से यहाँ पे इतना? हाँ, गंगा माँ जो अपने उफान भी समय आई है, गंगा माँ बढ़ने की वजह से रास्ता जो कॉरिडोर का वो बंद हो गया है, वो जो घाट किनारा है वो बंद हुआ, कॉरिडोर घूम सकते हैं मंदिर के अंदर प्रांगण से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख पाएंगे यहाँ पे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे भोले यहाँ पे घूम रहे हैं। और आप देख सकते हैं जितने भी लोग जाते हैं कांवड़ चढ़ाने के लिए वो नंगे पांव ही जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। बस भगवान भोलेनाथ की महिमा होती है। तो अभी आपने तो देखा ही होगा कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शनार्थियों की दर्शन पूजा करने के लिए। और आज फिलहाल में तो संडे का दिन है और कल देखते हैं जो सावन का तीसरा सोमवार है उस दिन कितनी भीड़ होती है। उस दिन एकदम ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है क्योंकि जो गंगा की तरफ का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, तो सारी भीड़ जो है यहीं पर उमड़ने वाली है। और आप तमाम दुकानें भी देख पाएंगे यहाँ पर जो कि मौजूद है। वैसे मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। तो आइए मैं आपको अभी बैक कमरे से यहाँ की तस्वीरें दिखाती हूँ। आप देख पाएंगे कि अभी हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के पास, और आपको दूर से दिखाई भी दे रहा होगा और यहाँ की आप ज़बरदस्त भीड़ को भी देख पाएंगे। और ये रास्ता बहुत ही पतला है, लोग इसी में से आते हैं जाते हैं, इस वजह से और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैसे देख सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए अलग से रेलिंग लगा दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए अलग से रेलिंग की व्यवस्था की गई है कि वो सिर्फ इसी रेलिंग में रहें और आराम से बाबा के दर्शन भी कर सकें। बहुत ही भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़ है। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप बाहर मत खड़े रहिए, आप यहाँ पे तुरंत दर्शन करिए, यहाँ से तुरंत जाइए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भक्तों की भीड़ है। इस वजह से यहाँ पे सेल्फी लेने वालों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा ही रहती है। इस वजह से आइए मैं आपको आराम से दिखाती हूँ इस गेट को। आगे
यहाँ पे तमाम लोग दर्शन पूजा करने के बाद भी खड़े हुए हैं, इस वजह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ से आप तुरंत दर्शन करके जाइए, खड़े मत रहिए। अरे आगे जाना है जी। आप यहाँ का आज फुल नज़ारा देख पाएंगे, तमाम लोग खो गए हैं यहाँ पे आके और लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, क्योंकि मेन बात है कि सबका मोबाइल जमा हो जाता है और लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये ज़्यादा मेन वजह रहती है। और लोग घूमते रहते हैं और उनके वजह से उनका जो मोबाइल रहता है वो भी स्विच ऑफ हो जाता है, इस वजह से कांटेक्ट करना और भी बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का। आगे बढ़ते आगे बढ़िए। और आप देख पाएंगे यहाँ पे छोटे छोटे तमाम बच्चे भी हैं जो कि कावड़िया लेके जाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे और आगे की भी चीज़ें जो हैं वो आपको हम दिखाते हैं। और अभी हम आ गए हैं मार्कंडिका द्वार से सीधे मार्कंडिका घाट, और आप ये देख सकते हैं ये रास्ता सीधे चला जाता है मार्कंडिका घाट की तरफ, और आप ये देख रहे हैं ये है कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर के अंदर भी बहुत ही प्राचीन प्राचीन मंदिरें हैं। और इस गली में भी आपको तमाम दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने वाली भी। और आप यहाँ का रास्ता देख पाएंगे, यहाँ का रास्ता जो है बहुत ही ख़राब है फ़िलहाल में। और देख सकते हैं कि कितना पतला रास्ता है यहाँ से जाने के लिए घाट से। हाँ यहाँ बता रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्कंडिका घाट पे पानी की व्यवस्था दी गई है उसकी हालत कितनी बेकार है। और यहाँ पे लोगों की शिकायत भी रहती है कि मार्कंडिका घाट पे कोई सुविधा नहीं दिया गया है जितने भी यहाँ पे यात्री आते हैं शौदा में।
और आप देख सकते हैं पूरा मारकंडिका घाट का नज़ारा। यहाँ पे ढेर सारी लकड़ियाँ रखी गई हैं और यहाँ पे लकड़ियों को काटा भी जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे भी तमाम लकड़ियाँ रखी गई हैं। और आइए मैं आपको घाट का पूरा नज़ारा भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है भी। और देख सकते हैं यहाँ पे जो रोड है वो स्लोप में है थोड़ा, अगर संभल के ना चला गया तो इंसान गिर भी सकता है। और आप देख पाएंगे जो पूरा घाट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पे अब आप आगे नहीं जा पाएंगे। ये देखिए पूरा तरह से पानी से सलाबोर हो चुका है। और मारकंडिका घाट पे तमाम मंदिरें हैं जो कि छोटी बड़ी फिलहाल में डूब चुकी हैं। और दूर से देख पा रहे होंगे एक रत्नेश्वर मंदिर करके है जिसे काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपनी एंगल से 9 डिग्री झुका हुआ है। और इसका कंपेयर किया जाता है इटली के पीसा टावर से जो कि अपने एंगल पे 4 डिग्री झुका हुआ है। और इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर 8 महीने तक पानी में ही डूबा रहता है और सिर्फ 4 महीने ही आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और जो महादेव हैं इसमें, इनका नाम है रत्नेश्वर महादेव। और देखिए जितने भी दर्शनार्थी हैं वो अपना ऐसे ही पानी में डूब के आ रहे हैं। और तमाम आपको यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। और आप जो ये चिमनी देख रहे हैं यहाँ पे अब शौदा का काम होगा क्योंकि नीचे पानी भर गया, इसकी वजह से अब नीचे जगह नहीं है तो सारा शौदा का काम अब ऊपर ही होगा। और देखिए कुछ लोग ऊपर से भी जा रहे हैं घाटों की तरफ। और आप देख पाएंगे इस घाट पे तमाम मंदिरें हैं जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिरें हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। और अभी हम आ चुके हैं कॉरिडोर के अंदर पीछे वाले रास्ते से। और जो घाट के तरफ जाने का जो रास्ता था मारकंडिका घाट से वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, इस वजह से मैं अभी पीछे के रास्ते से आई हूँ। तो आइए मैं आपको और भी नज़ारे दिखाती हूँ घाट के। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से भी आप कॉरिडोर के अंदर आसानी से आ सकते हैं और मैं इसी रास्ते से आई हूँ। तो आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। और ये सब देखिए, ये सब प्राचीन मंदिरें हैं जो कि मैंने आपको सारे मंदिरों का टूर करा दिया है। और धूप भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है फ़िलहाल में। और आप ये देख पाएंगे सामने बजरंगबली की प्रतिमा। और ये है सीवेज पंपिंग स्टेशन जिसको मैंने आपको अंदर से भी दिखाया है। और सामने देख पाएंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ शौदा का काम चल रहा है। आप ऊपर की तरफ भी काफ़ी भीड़ देख पाएंगे लोगों की। और ये सारे मंदिर हैं जो कि आप देख रहे हैं। सामने से आप जो देख रहे हैं जलासेन पथ जो कि रैंप है, और आप इसका फुल व्यू देख पाएंगे। पानी का जो स्तर है वो देख पाएंगे, अभी उतना ही है। तो आइए कुछ नज़ारे नज़दीक से भी देखते हैं हम। और आप यहाँ से देख पाएंगे कि जो भी शौदा के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और जितने भी शौदा के काम हैं अब ऊपर की तरफ हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं सारी नावें शांत हो चुकी हैं, कोई भी नाव नहीं चल रहा है, चाहे वो स्टीमर वाला हो या फिर हैंड बोर्ड हो। और आप बीच में भंवर भी देख सकते हैं, कितनी तेज भंवर उठ रही है।
और पानी में लहरें बहुत ही तेज़ हैं, वो तो शायद कैमरे में रिकॉर्ड ना हो पा रहा हो, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख के ये बता रही हूँ कि लहरें काफ़ी तेज़ हैं और संभल के न रहा गया तो सीधे बंगाल की खाड़ी में लोग पहुँचेंगे। और ये देखिए ये पूरा रैम जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये देख सकते हैं जलासेन पथ जो कि पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं धुरी रमाए हैं लोग। बनारस में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। और अभी हम मौजूद है परिसर के अंदर और आप परिसर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ जो यहाँ पे है वो बहुत कम है और जितनी भी भीड़ है वो सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पे आप देख पाएंगे। और अभी हम आ गए हैं गंगा द्वार के ठीक सामने और आप यहाँ का भी जल स्तर देख पाएंगे। यहाँ पे भी सारी नावें शांत पड़ी हुई हैं और एक किनारे पे ही खड़ी हैं। और यहाँ पे भी आप गंगा द्वार से दर्शनार्थियों की भीड़ को देख पाएंगे। यहाँ पे बहुत कम भीड़ है फ़िलहाल में और यहाँ से आप इस खूबसूरत नज़ारे को भी देख पाएंगे, काफ़ी सुंदर दृश्य जो कि है। और आप यहाँ से भी इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है निकल के, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई जीता जागता पेंटिंग हो। और आप देख पाएंगे कि फ़िलहाल में जो लोग सीढ़ियों पे बैठ के भी नहाते थे उन पे भी रोक लगा दी गई है, अब कोई यहाँ पे बैठ के भी नहीं नहाएगा क्योंकि लहरें बहुत तेज़ हैं। और अभी आइए कुछ नज़ारे हम आपको कॉरिडोर के अंदर का भी दिखाते हैं और फिर हम उधर से ही बाहर की तरफ भी निकल जाएंगे। आप पूरा कॉरिडोर का दृश्य देख पा रहे होंगे और यहाँ पे जो कॉरिडोर बनाया गया है काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है कि यहाँ पे कितने भी दर्शनार्थी आ जाए यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल में बाढ़ की वजह से यहाँ पे दर्शनार्थी लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि गेट नंबर 1 और 4 पे काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु लोग उमड़े हुए हैं। तो सारे श्रद्धालु लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं, तो आइए हम भी आपको दर्शन कराते हैं घर बैठे हुए। चलिए अब आप भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। और आप परिसर में एक नई चीज़ भी देख पाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सामने एक बेसिन भी लगा दिया गया है और अब पानी पूरे परिसर में नहीं फैलेगा।
और पीछे की तरफ आप देखेंगे जो कि ओमकारेश्वर भवन के सामने से जो रास्ता गया है, इधर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। ये मेन विश्वनाथ गली से होकर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल ज़बरदस्त वाली भीड़ है। और देख सकते हैं भीड़ इतनी ज़्यादा है कि दो लोग एक साथ निकल भी नहीं पाएंगे, सिर्फ दो ही लाइन लगी हुई है फिलहाल में। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस गली में हैं, एकदम पूरी गली ही हाउसफुल है और एकदम ज़बरदस्त भीड़ जिसे आप कह सकते हैं। और इसी गली से अगर आप जाते हैं बाहर की तरफ तो सीधे आप गोदौलिया क्षेत्र में निकलेंगे। तो फिलहाल में आप इस गली के भीड़ को एंजॉय करिए और हम आपसे मिलते हैं इस गली के बाहर। बाहर निकलने के लिए हमने अपना रास्ता ही चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से खाली है। और आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव।